मध्य प्रदेश कन्याकुब्ज ब्राह्मण समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में विद्यार्थियों का प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के उत्साह वर्धन हेतु सम्मान किया गया। सम्मान के साथ ही विद्यार्थियों को पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित भी किया गया। भोपाल में कन्याकुब्ज ब्राह्मण समाज कल्याण समिति ने प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया। आयोजन में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं के उत्साह वर्धन हेतु उन्हें सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों के सम्मान में खास बात यह रही कि सम्मानित करने के साथ साथ पर्यावरण बचाने के लिए सभी को एक एक पौधा भी दिया गया। समिति ने बताया कि छात्रों को पर्यावरण का भी ज्ञान आवश्यक। इसके साथ साथ हमें पेड़ पौधे भी दिए गए हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बहुत बढ़ रही है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। एंड सम्मान के साथ साथ पेड़ पौधे भी हमें मतलब एज एन इनिशिएटिव दिए गए हैं। मुझे एकेडमिक एक्सेलेंस मतलब 90% के ऊपर लाने के लिए सम्मान मिला है, और उसमें मैंने 90.2% आए, और इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता और मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों को जाता है। उनने मुझे पूरा मार्गदर्शन और अपना सपोर्ट दिया, जिससे मैं इतने अच्छे अंक प्राप्त कर पाया। मैंने 93.6 स्कोर करा है बोर्ड्स में, और इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स सबको जाता है। और मैं बड़े होकर MBA करना चाहती हूँ। समिति के सचिव चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि यह सम्मान विद्यार्थियों के उत्साह वर्धन के लिए दिया जा रहा है, जिससे उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। ब्राह्मण समाज में जो छात्र गरीब हैं या पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, उनको समिति के माध्यम से हर संभव मदद दी जाएगी। इस दौरान सम्मानित हुए छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। छात्रों ने अपने विचार भी साझा किए। सम्मान समारोह में काफी संख्या में विद्यार्थी अपने परिजन के साथ मौजूद रहे। आयोजन समिति के अध्यक्ष अशोक अवस्थी ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में प्रतिभा को उभारना है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे एवं अपने विचार और अनुभव लोगों के साथ साझा किए। मध्य प्रदेश कानकुब जो ब्राह्मण समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में आज यहाँ पर हिंदी भवन में हमने मध्य प्रदेश के समस्त ब्राह्मण समाज के जो कि 10th और 12th क्लास में 80% और उससे अधिक अंक लाए हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित करने का कार्य हमने किया है। साथ में पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी को सील्ड सर्टिफिकेट के साथ में एक एक पौधा भी रोपने के लिए दिया है कि पर्यावरण बचेगा तभी ये संसार बचेगा, यह धरती बचेगी। पर्यावरण की रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी। देखिए, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है वो है ग्लोबल वार्मिंग, उसके चलते हुए बच्चों को पौधा देके उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जितने पौधे आप लगाएंगे ये भविष्य में आपके ही काम आने वाले हैं। जो हम लोगों ने लगाए, जो हम लोगों के पूर्वज ने लगाए, वो हमारे काम आ रहे हैं। जो हम लगाएंगे वो आने वाली पीढ़ी के आएंगे। इन बच्चों को जब अपन इस तरह से प्रोत्साहित करेंगे, इनको इससे शिक्षित करेंगे, तो उसका एक मैसेज ये जाएगा कि बच्चे भी इस चीज़ में आगे से आगे बढ़ के भाग लेंगे और इस तरह से पौधे लगाएंगे और पर्यावरण को अच्छे से बनाएंगे। हमने असल में ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 80% से अबव जिनके भी नंबर आए, 80 और 80 से अबव 10th और 12th में पूरे मध्य प्रदेश के सर्व ब्राह्मण समाज के बच्चों को सम्मानित करने के लिए एक आयोजन रखा है। इसके साथ में वास्तव में हमारा ये उद्देश्य है कि इन बच्चों को मालूम हो कि भविष्य में हमें करना क्या है, ज्वलंत समस्याएं क्या हैं। तो ज्वलंत समस्या इस समय हमारी चल रही है पानी की, और ये जो तापमान जो बढ़ रहा है ये वृक्ष कटाई के कारण बढ़ रहा है। तो उनको ये प्रेरित करने के लिए हम साथ में वृक्ष पौधे भी इनको वितरित कर रहे हैं, और उनको ये मैसेज भी दे रहे हैं कि वो जाके वृक्ष पौधे लगाएं, उनको वृक्ष बनाएं, उनका जन्मदिन मनाएं, हर साल उनका जन्म। भोपाल में आपने देखा होगा इंद्रपुरी में एक नीम के पेड़ का हर वर्ष जन्मदिन मनाया जाता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये भी बच्चे जो पौधे लगाएं ये जाने कि उनको हमको वृक्ष के रूप में परिवर्तित करना। देखिए, निश्चित तौर पर आज जो आप देख रहे हैं कि 10th और 12th का कानकुब जो ब्राह्मण समाज द्वारा समस्त ब्राह्मण समाज के बच्चों को जो 10th और 12th में अव्वल आए हैं, 80% से ऊपर जो आए हैं, उनका सम्मान करने के लिए, उनका प्रोत्साहन वर्धन करने के लिए उनके अभिभावकों के साथ यहाँ बुलाया गया है और उनको सम्मानित किया जा रहा है। प्रमाण पत्र के साथ साथ जो वृक्ष दिया जा रहा है, वृक्ष इसलिए दिया जा रहा है कि आप पूरे समाज को हम ये जताना चाह रहे हैं कि आप वृक्ष लगाइए। वृक्ष के बिना जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा, प्रकृति उसके साथ खिलवाड़ करेगी, इसलिए वृक्ष लगाइए और अपने आने वाले जीवन को संचित करिए।